गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आज मेरे को वापस जाना है दिल्ली, पटना से मेरी फ़्लाइट है और थोड़ी देर में मैं यहाँ से गया से निकलूँगा पटना के लिए बस से। ट्रेन चल नहीं रही है कोई लोकल, ठीक है, तो बस से पटना जाएंगे और फिर वहाँ से फ़्लाइट है मेरी शाम को 7:30 बजे। और मेरे लिए एक छोटा सा बैड न्यूज़ ये है कि मैंने जो भी कल ब्लॉग शूट करा था, जो भी वीडियो शूट करे थे रिसेप्शन का, उसके पहले हम उधर पहाड़ों में नहाने गए थे, वो सारा का सारा डिलीट हो गया। परम, अच्छा, और ये मीठा लगता है? नहीं, पानी अच्छा, उसके जैसा लगता है। इसको कहते हैं परम, ठीक है, और ये थोड़ा स्वीट जैसा लगता है, ठीक है। मेरे को आइडिया नहीं है कैसा है, मैं फर्स्ट टाइम इसको ट्राई करने जा रहा हूँ, तो मेरे को ऑलरेडी ये छिला हुआ मिला है और मैं ट्राई करता हूँ, ट्राई करूँगा। अब ना ले वो, कितना 10 रुपए का था, एगो छिलना हो, पानी मत भोग, 20 रुपए मामा, चलिए ना नीचे, 10 रुपए के 4 थोड़ा थोड़ा ना, ये स्वीट पोटैटो के जैसा है, स्वीट पोटैटो के जैसा है ये। इट्स नॉट दैट गुड, आई वॉज एक्सपेक्टिंग ये थोड़ा स्वीट होगा, बट अच्छा लगा, गंदा। आई वॉज सीरियसली एक्सपेक्टिंग ये काफी अच्छा होगा, बट ये हल्का कड़वा है और जो स्वीट पोटैटो है ना उसके जैसा टेक्सचर इसका उसके जैसा है, बट ये है हल्का सा कड़वा, इसने मेरे मुंह का स्वाद खराब कर दिया। ओके गाइस, सो मैं आ गया हूँ बस स्टैंड, और यहाँ पे सीन ऐसा था कि पहले एक बस खुल रही थी बट उसमें स्लीपर सीट था तो इसलिए मैंने लिया नहीं है, और मेरे को ड्रॉप करने आया था जॉर्डन ड्रॉप करके निकल गया, बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसलिए मैं तुरंत आया, तुरंत छोड़ के निकला। एक दूसरी बस खुल रही है जो मेरे पीछे लगी हुई है, महारानी एक्सप्रेस, यहाँ पे प्राइवेट बसेज ही चलते हैं ज़्यादा करके, तो मैं इस बस से निकल रहा हूँ। सीट मिल गई, मैंने आगे की सीट ली है, सीट नंबर 2, तो मेरे को सीट मिल चुकी है, ठीक है, और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। शायद 10-15 मिनट लगेगा, उसमें निकल जाएगा। और जब आपके पास लगेज होता है ना तो आपको व्लॉगिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मुझे रिकॉर्ड करना काफ़ी टफ था। मैंने बैग अब जाके बैग रखा अपने सीट पे पास, उसके बाद मुझे टाइम मिला है ताकि मैं निकल के लाइक शूट कर सकूँ अपना वीडियो। सो चलो मिलते हैं तुम लोगों से। सो द थिंग इज़ कि ऑलरेडी लेट हो रहा है और बस वाले ने कहीं पर रोक रखा है, इतना छोटा सा डिस्टेंस कवर करने के लिए मेरे बीच में एक हॉल्ट बना रखा है, ये लोग इतना धीरे धीरे चल रहा है ना क्या ही बताऊँ। ऊपर से रास्ते इतने पतले हैं, हाईवे भी नहीं, एकदम वन वे जैसा रास्ता है ये, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं मतलब फ्लाइट पकड़ भी पाऊँगा या नहीं, आई डोंट नो मैं फ्लाइट मेरे को मिलेगी भी या नहीं, ठीक है, लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। पता नहीं यहाँ पे कितनी देर रोकेगा ये भी नहीं पता है मेरे को। फाइनली मेरी फ़्लाइट ऑलमोस्ट छूट ही गई है, अब मैं चेक इन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी 20 मिनट लेट हूँ। मेरे को नहीं पता था इतना गंदा सीन हुआ गया से पटना आने का, इतना बेकार रास्ता था कि मतलब इतना लेट पहुँचाया है, तो मैं वहाँ से भाग भाग के कैसे बड़ी मुश्किल से आया हूँ, लेकिन यहाँ आते आते लेट हो गया था, 7 o'clock पर मैं आ गया था, बट ऑब्वियसली 20-25 मिनट पहले मेरे को आना था, चेक इन वगैरह सारा बंद हो चुका था, तो मैं वापस जा रहा हूँ, देखता हूँ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेट सी मेरे को ट्रेन वगैरह कुछ मिलता भी है या नहीं मिला तो फिर मेरा बहुत गंदा कटने वाला है। बिगेस्ट प्रॉब्लम विद मी राइट नाउ इज़ कि एयर इंडिया कोई स्टाफ यहाँ पे नहीं है, और जो एक आया था वो हेल्प करने को तैयार नहीं, वो बोल रहा कुछ पॉसिबल नहीं है। मैं 7 o'clock यहाँ पे पहुँच तो चुका था, 30 मिनट्स थे, चलो ठीक है मैं लेट तो हूँ, बट वो कुछ बताते बट वो कोई बताने कुछ तैयार नहीं है यार। अब मेरे को समझ में नहीं आया ट्रेन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, इस टाइम ट्रेन कोई होगा भी नहीं होगा, लेट्स सी। और एयर इंडिया के स्टाफ की ये सर्विस तो सही यार इतनी घटिया है ना, एटलीस्ट वो आके कुछ बताते तो सही कि भाई ये होगा वो, कुछ नहीं बताया उन्होंने, तो अब लोग समझ में नहीं आ रहा मैं बाहर तक नहीं निकल पा रहा हूँ, है ना, तो वो लोग बोले जब तक एयर इंडिया का स्टाफ नहीं तब तक बाहर भी नहीं निकल पाओगे, पता नहीं ये क्या छूट गया, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार ये ट्रेन और फ्लाइट छूटने का सीन मेरे साथ क्यों होता है। मैं से ऑलरेडी 2 बार ट्रेन छूट चुका है मेरा, पहली बार मेरे से फ्लाइट भी छूटा, ठीक है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल चुका हूँ, ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ मेरे पास अब लास्ट ऑप्शन नहीं बचा कि मैं ट्रेन से जाऊँगा, ट्रेन भी एक ही है, मैं देखता हूँ रेलवे स्टेशन पहुँचता हूँ और वहाँ से उस ट्रेन में भी टिकट तो है नहीं, मैं TT से बात करके TT अगर कोई सीट अवेलेबल करा सकता है तो फिर उस पर बैठ के जाऊँगा, और अगर नहीं होगा तो फिर बस से निकलना पड़ेगा मेरे को दिल्ली। अब मैं यहाँ से ऑटो लेके निकल रहा हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ, और एक ट्रेन है 9:50 पे, ठीक है, टिकट तो उसमें नहीं है, बट लेट्स सी, कभी कभी टिकट कोई कैंसिल कराता है लास्ट एंड मौके पे खाली होता है, अगर मैं TT से बात करूँगा अगर वो मान जाता है या अगर कोई सीट खाली होती है तो मेरे को टिकट मिल जाएगा, मेरे पास वही एक ऑप्शन है, बस से मैं जाऊँगा नहीं, बस से जाना लाइक
और लेडीज मैंने बिहार बस का ये सर्विस देख लिया, चूतिया जैसा था, ठीक है। बाकी मतलब 6 घंटे लगे यार, 130 किलोमीटर ज़्यादा कवर करूँ मैं, 6 घंटे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मैं ट्रेन से ही जाऊँगा, बस का ऑप्शन मैं सोच नहीं रहा हूँ, ठीक है। ट्रेन नहीं मिला तो रेलवे स्टेशन पर वेट कर लेंगे, सुबह कोई ट्रेन हो, सुबह भी कई सारे ट्रेन्स हैं 4-4 बजे के आसपास, नहीं होगा तो फिर उसमें देखता हूँ, कैसे भी कुछ भी करता हूँ, जुगाड़ लगाता हूँ कुछ ना कुछ, और फिर उससे निकलते हैं। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ रेलवे स्टेशन, है ना। अब यहाँ पे देख रहा हूँ कौन कौन सी ट्रेन है, एक ही ट्रेन मेरे को दिख रहा है 9:50 पे है, ठीक है। और मेरे को पता नहीं कि वो उसमें भी सीट तो वैसे उसमें नहीं है, पर आई डोंट नो कि शायद TT से बात करने वाला सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो मैं फिर वेट करूँगा यहाँ रेलवे स्टेशन पर, और कल सुबह जो भी ट्रेन होगा उसमें जनरल का ही टिकट करा के और फिर निकल जाऊँगा यार, मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। सो फाइनली जो नहीं होना था वो भी हो गया है, ठीक है। यहाँ पे कोई ट्रेन नहीं है, एक जो ट्रेन थी वो भी उसका पटना पे स्टॉपेज नहीं है, वो पाटलिपुत्र रुकेगी और पटना पे नहीं रुकेगी, है ना। तो पाटलिपुत्र भी नहीं निकल सकता मैं, और वो यहाँ से चलती नहीं है, तो उसमें ऑप्शन भी नहीं है कि जाके मतलब TT से बात कर सके, ठीक है। उसके अलावा मैंने बस चेक करा तो बस भी नहीं है यहाँ पे कोई, ठीक है। आज पटना से कोई बस नहीं है, क्योंकि जो भी बसेस थी सारे फुल हैं, निकल चुकी हैं, ऐसा सीन है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो एक बार देखता हूँ कुछ और लोगों से बात करता हूँ, और अगर कुछ ऑप्शन होता है या कहीं गाड़ी वाड़ी कोई जा रही हो दिल्ली की तो ऐसा कुछ करके देखता हूँ, फिर निकलते हैं। और फाइनली इतने कंफ्यूज के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक होटल में स्टे कर रहा हूँ। ओके गाइस, सो फाइनली मैंने होटल बुक कर लिया है और मैं होटल में आ गया हूँ, चेक इन कर चुका हूँ, और अब मेरे पास सोने और खाने के अलावा कोई काम नहीं है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले खाऊँगा कुछ और फिर रेस्ट करूँगा, थोड़ी बहुत एडिटिंग भी कर लूँगा बीच में और रेस्ट करूँगा, फिर कल सुबह देखता हूँ दोपहर में जब भी बस मिलता है, बस पकड़ के अपन फिर वापस दिल्ली, ठीक है। फिर जल्दी मिलते हैं तुम लोगों से दिल्ली में यार।